mommy? Huh? Thank you, Elmo. Elmo ko mummy ka khana sabse acha lagta hai. Mujhe bhi tumhare liye khana banana bahut acha lagta hai, Elmo. Tumhe thoda aur chahiye? Nahi, nahi, nahi. Elmo ka pet bilkul full bhar gaya hai, mummy. Haan? Haan. Dikhao. Dikhao. अब एमो को बस पानी चाहिए. हाँ, पानी ही रहा. थैंक यू मम्मी. अब जल्दी से पैकिंग खत्म करते हैं. हाँ, फिर अंकल आंटी के घर जाना है. हाँ, चलो मम्मी, एमो को ढेर सारी चीजें लेनी है. हाँ, हाँ. चलो. मम्मी, मम्मी ने एल्मो का सब सामान रख लिया. हाँ, रख दिया. एल्मो के कपड़े? एल्मो के कपड़े भी हो गए. और एल्मो के मोजे? मोजे वो रहे. डैडी, एल्मो और मम्मी अंकल आंटी के घर छुट्टी पे जा रहे हैं. तो एल्मो, तुम्हारी पैकिंग पूरी हुई? हम कुछ भूल तो नहीं रहे बेटा? मम्मी, हम भूल रहे. क्या? ये डब्बा. डब्बा? वो किस लिए? एल्मो इसमें अपना खाना रख के ले जाएगा ना. पर खाना तो अंकल आंटी के घर मिलेगा ना. पर वहाँ एल्मो के घर का खाना थोड़ा ही होगा मम्मी. मम्मी वाला. ओह, मेरा बच्चा. वहाँ पे अंकल आंटी के घर का बनाया खाना होगा बेटा. पर अगर वहाँ कुछ और बना जो एल्मो ने पहले कभी नहीं खाया तो तुम उस नई चीज को ट्राई कर सकते हो बेटा. पर एल्मो को कैसे पता चलेगा कि नया वाला खाना उसे पसंद आएगा ही? तो ये बात है. एल्मो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें किसी ने यही सवाल किया है. यही सवाल? हाँ, बिल्कुल यही सवाल. एक दिन गजरू खरगोश को उसके दोस्त भोलू भालू ने खाने पे बुलाया. वो सिर्फ और सिर्फ गाजर खाता था और जहाँ भी जाता था अपनी गाजर की पोटली साथ लेकर जाता था. गजरू अपनी गाजर की पोटली बांध के भोलू भालू के घर जाने को तैयार हो गया. पर जब पापा भालू, मम्मी भालू, भोलू भालू और गजरू खरगोश खाना खाने बैठे. ना ना ना, थैंक यू. ये बहुत गीला गीला है. मेरे फेवरेट खाने के जैसा कुरकुरा नहीं है. धन्यवाद. पर ये अलग रंग का है. मेरे फेवरेट खाने की तरह नारंगी नहीं है. नहीं नहीं, शुक्रिया. पर ये बहुत गोल है. गाजर जैसा लंबा नहीं है. तभी भोलू भालू को एक आइडिया आया. मैंने गाजर पहले कभी नहीं खाई. क्या मैं एक गाजर ट्राई कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं. ये तो बहुत स्वादिष्ट है. बिल्कुल हमारे घर के खाने की तरह. मुझे पता है, मुझे तुम्हारे खाने का टेस्ट कैसे पता चलेगा? कैसे? तुम्हारा खाना ट्राई करके. अच्छा लगा गजरू? अच्छा नहीं? बहुत अच्छा. भोलू भालू खुश था कि उसके दोस्त गजरू ने उसके घर का खाना ट्राई करा. गजरू खुश था कि उसने नया खाना ट्राई करा जो उसे बहुत पसंद आया. नहीं तो उसे कैसे पता चलता कि भोलू भालू के घर के खाने का टेस्ट कैसा है. तो कैसी लगी कहानी? बहुत टेस्टी. टेस्टी? हाँ, एल्मो ने नई कहानी ट्राई की ना, बहुत अच्छी थी. हाँ एल्मो, नई चीजें ट्राई करने से ही पता लगता है कि कोई चीज हमें पसंद आएगी कि नहीं. एल्मो भी नई चीजें ट्राई करेगा मम्मी. ये तो बहुत बढ़िया सोच है एल्मो, क्योंकि नए खाने का स्वाद तो टेस्ट करके ही पता चलेगा ना. मम्मी, एल्मो आंटी के घर का खाना खा के देखेगा. शाबाश एल्मो. अच्छा चलो, अब ये डब्बा अलग रख दे. नहीं नहीं मम्मी, डब्बा तो पैक करना ही है. मगर अब तो एल्मो आंटी के घर का खाना खाकर देखेगा ना. हाँ, और अगर एल्मो को खाना पसंद आएगा तो वो पैक करके भी लाएगा. हाँ,